हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूट्यूब क्लाउड। तो एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं एक नया वीडियो, नया टॉपिक। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहें, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। तो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है वो टोटली शेयर मार्केट के ऊपर रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट के ऊपर रिलेटेड है। तो प्लीज़ वीडियो को केयरफुल पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखें, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक नाउ। हेलो गाइस, तो एक छोटी सी वीडियो मैं लेके आ चुका हूं निफ्टी के ऊपर। तो आने वाले हफ्ते के अंदर कहां से उसके ऊपर जाने के चांस है और कहां से वो नीचे आ सकता है, कौन से लेवल उसके लिए सपोर्ट का काम करने वाले हैं, इन सारे लेवल्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर और बात करते हैं उसके इंपोर्टेंट लेवल के बारे में। तो गाइज, हम लोग आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर और बात करते हैं इसके क्लोजिंग की। तो इसकी जो क्लोजिंग मिली है लास्ट मार्केट में, इसकी हुई है 17,829 पे। तो अब इसके अंदर क्या मूव हो सकती है, अगर हम बात करें जैसे इसने अच्छा खासा एक गैप डाउन दिया था मतलब फ्राइडे वाले दिन, और गैप डाउन के अंदर मतलब कुछ देर तक साइडवेज रही लेकिन उसके बाद इसने सस्टेन नहीं कर पाई उस लेवल को और यहाँ पे डाउन आई। इस लेवल का इसने सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ से ऊपर जाके इस वाले पार्ट को इसने रेजिस्टेंस बनाते हुए फिर यहाँ से नीचे आ गई। तो अब मुझे क्या लग रहा है, मार्केट मंडे को थोड़ा गैप अप हो सकती है और गैप अप होने के बाद इस वाले लेवल पे मतलब ये 17,894 के आसपास यहाँ तक जा सकती है। लेकिन अगर हम बात करें ना, अगर सेफर साइड के साथ अगर आपको जाना है, थोड़ा शॉर्ट पोजिशन लेनी है, तो आप इस वाले लेवल पे ले सकते हैं मतलब 17,950 17,960 के आसपास। यहाँ पे आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, जिसमें अपना स्टॉप लॉस जो है बहुत छोटा होगा, लगभग 30 से 35 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होने वाला है और टारगेट इसके अंदर एक अच्छा खासा आपको मिल सकता है। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाला हुआ है, आप वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर जो भी मेरी रिसर्च होती है मैं वहां पर शेयर करता हूं, चाहे वो इक्विटी में हो या फिर ऑप्शन में हो, जो कि टोटली फ्री है। अब हम बात करते हैं ये शॉर्ट पोजीशन क्यों लेना है हमें। मार्केट यहाँ पे एक बहुत अच्छी खासी रैली दिखा के ऊपर जा रही थी और यहाँ से एक बहुत बड़ी करेक्शन आई थी। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन इसको जरूर आना चाहिए। बात करते हैं सपोर्ट की, मतलब कहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। मार्केट अगर यहाँ से भी अगर नीचे गिरती है या फिर यहाँ से भी नीचे गिरती है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट है यहाँ पे जो कि अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। मतलब मार्केट यहाँ से अभी एक बार भी सपोर्ट नहीं लिया है, ठीक है। तो मार्केट अगर ऊपर से नीचे आती है ना, मतलब अगर यहाँ तक जाती है और नीचे आती है, तो इसमें क्या है, ये वाला सपोर्ट एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट इसके लिए बन जाएगा। मतलब ये वाला जो लेवल है इसके लिए जरूर एक बार ऊपर ले जाने का काम करने वाला है। तो 17,000 ये वाला लेवल, हाँ 17,750 से लेकर 17,690 के आसपास ये जो लेवल है ना 50 पॉइंट का, ये मुझे लग रहा है एक अच्छा खासा मूव दे सकता है इसको। तो मार्केट अगर बाई चांस यहाँ पे आती है तो इस लेवल का सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगी, तो देखिए ऊपर जाने के अच्छे चांस है मार्केट के, और अगर नीचे भी गिरती है तो अच्छे खासा सपोर्ट है इसको लिए रोकने के लिए। तो मार्केट कुछ दिन साइडवेज रह सकती है क्योंकि एक बहुत अच्छी खासी रैली आई है मार्केट के अंदर, तो थोड़ी सी साइडवेज करेक्शन रह सकती है। बात करते हैं अगर बड़ी करेक्शन आती है, जैसा कि यहाँ पे इसने 15 मिनट की अगर बात करते हैं तो इसने ब्रेकडाउन दे दिया है, लेकिन ये दोबारा रिट्रेस करने गई थी, यहाँ से नीचे आ गई। लेकिन अगर मतलब इस वाले सपोर्ट का इसने ले लिया है लेवल, तो इसका एक अच्छा खासा मूव तो देगा। तो मतलब मंडे को मार्केट गैप अप हो सकती है कुछ पॉइंट के लिए, और अगर बाई चांस यहाँ पे जाती है ना तो फिर ये नीचे आएगी। नीचे आके इस वाले लेवल का सपोर्ट लेना चाहिए एक बार इस वाले लेवल का सपोर्ट लेगी। लेकिन बाई चांस अगर ये यहाँ से क्लोज होती है, जैसे कि हम बात करें अगर ये इस नीचे क्लोजिंग देती है ना, ये सारा सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद ये यहाँ पे आ सकती है मतलब 16,650 के आसपास। उसके बाद फिर अगर ये ब्रेक होता है तो ये वाला लेवल मतलब यहाँ से 17,550 से लेकर और ये वाला 17,450 के आसपास, मतलब ये 100 पॉइंट का जो लेवल है इसको रोकने का काम करेगा। तो मतलब नीचे भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिसको रोक सकते हैं और ऊपर में एक दो पॉइंट है जिसको ऊपर जाने के लिए रोक सकते हैं। तो मार्केट कुछ दिन साइडवेज रह सकती है, तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि मार्केट थोड़ी गैप अप होती है अगर इस वाले लेवल पे जाती है ना, तो यहाँ से हम कुछ शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं या फिर जो भी अपनी प्रॉफिट है उसमें थोड़ी बुकिंग कर सकते हैं या फिर ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, अगर एक बड़ी करेक्शन आती है तो ये वाला जो लेवल है 17,550 से लेकर 17,470 के आसपास, मतलब ये मान लीजिए 70 से 100 पॉइंट का जो ये सपोर्ट है इसको ऊपर जाने के लिए काम करेगा। तो गाइस, ये थी मेरी रिसर्च निफ्टी के ऊपर। होप इस जो भी लेवल्स आपके साथ मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं आपको जरूर समझ में आएंगे, और उम्मीद करता हूँ आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाला हुआ है, आप वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर जो भी मेरी रिसर्च होती है मैं वहां पर शेयर करता हूँ, चाहे वो इक्विटी में हो या फिर ऑप्शन में हो, जो कि टोटली फ्री है। वहां पे जाके आप हमारा परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं। होप गाइस आप उस टेलीग्राम चैनल पे विजिट करेंगे, और जैसा प्यार मुझे आप यूट्यूब पे दे रहे हैं वैसा आप टेलीग्राम पे भी देंगे। होप गाइस ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। अगर इस वीडियो से आपने थोड़ा सा भी सीखा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम का चैनल भी डाला हुआ है,
उस टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कीजिए। मैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्री में ऐसे टिप्स देता हूँ शेयर से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। वहाँ पे आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी वहाँ पे मैं टिप्स देता हूँ वो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ देता हूँ। तो वहाँ पे आप जो भी ट्रेड करें वो खुद की आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। तो प्लीज़ वहाँ पे भी चैनल को ज्वाइन करें, और वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।